नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तां कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों की वीरता और पराक्रम से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको वीरता की एक ऐसी गाथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आप सबके भीतर का देशभक्त जाग उठेगा और आप भी देश के लिए मिटने को तैयार हो पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह नई दिल्ली के पालम कॉलोनी के रहने वाले एकेडमिक्स के टॉपर ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में वीरता और दिलेरी की एक ऐसी मिसाल रची है जिस पर उनके माता पिता और पूरे भारत देश को नाज है। वीरता की इस अनकही दास्तां को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि अब तक हमने देखा, भारत और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी, युद्ध घमासान रूप लेता जा रहा था। इसी बीच 4 जून 1999 को बटालिक सेक्टर से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के शव बरामद हुए और उनके साथ कुछ ऐसे कागजात मिले जो उनके पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे थे। पहली बार पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव डाला जा रहा था और दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। अब जबकि यह बात साबित हो चुकी थी, घुसपैठिए और कोई नहीं पाक के ही सैनिक हैं, भारतीय सेना ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। भारतीय सेना ने बड़े हमले रोक दिए। इसके पीछे उनका मकसद था आखिरी हमले से पहले खुद को अच्छी तरह तैयार करना। इसी बीच सैनिकों के लिए जूतों और ठंड से बचने के इंतजाम किए गए। जहां एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों के शव बरामद होने की खबर भारतीय मीडिया में छाई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सेना चारों तरफ से सवालों से घिरी जा रही थी। आइए आप सभी को और इंतजार ना कराते हुए सुनाते हैं वीर शहीद कैप्टन सुमित राय की वीरता और दिलेरी की गाथा। कैप्टन सुमित राय का जन्म 10 दिसंबर 1977 को हुआ। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिमाचल से पूरी की, फिर पंजाब से 10+2 की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करके इन्होंने NDA एग्जाम दिया और उसमें भी पास हुए। उसके बाद उन्होंने INA की परीक्षा दी और 1998 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। सर्विस ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही उन्हें कारगिल के टाइगर हिल्स क्षेत्र पर तैनात किया गया। टाइगर हिल्स की अत्यंत महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 4875 पर कई दिनों से भारतीय सैनिकों और पाक घुसपैठियों के बीच लगातार गोलाबारी चल रही थी। भारतीय सेना ने पाक घुसपैठियों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए बहुत जबरदस्त रणनीति बनाई। यह तय किया गया कि पाक घुसपैठियों पर अचानक से चौतरफा धावा बोला जाएगा और लड़ाई इतनी घमासान होगी कि घुसपैठियों को जॉइंट 4875 खाली करने को मजबूर होना पड़े और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें बचने का कोई रास्ता ही ना मिले। रणनीति के हिसाब से सारी तैयारियां की गई। आक्रमण का जिम्मा सौंपा गया गढ़वाल राइफल की 18वीं बटालियन को, जिसकी कमान थी जाबाज कैप्टन सुमित राय और कैप्टन जिंटू गोगोई के हाथों में। मिशन के मुताबिक अचानक दुश्मन पर धावा बोला गया, भीषण जंग छिड़ी, तोपखाने आग उगलने लगे, दोनों तरफ से फायरिंग और जवाबी हमले शुरू हुए। दुश्मन आश्चर्यचकित रह गए। हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों के हमले और भीषण रणनीति से दुश्मन के पैर उखड़ने शुरू हो गए। सुमित राय लगातार सैनिकों की हौसला अफजाई करते रहे, उन्हें जंग लड़ने के लिए उत्तेजित करते रहे। जवानों में गजब का उत्साह और जज्बा था। भारतीय सेना के अचूक निशानों के आगे दुश्मन दम तोड़ने लगे। इसी बीच कैप्टन सुमित राय भी दुश्मन के तोपखाने की रेंज में आ गए। कैप्टन सुमित गोलियों की बौछार को झेलते हुए लड़ते रहे और तभी एक गोली आकर उनके सीने में लग गई और कैप्टन सुमित वहीं ढेर हो गए। इस लड़ाई में उनके साथ कैप्टन जिंटू गोगोई और अन्य जवान भी मातृभूमि की रक्षा में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी इस शहादत से पहले ही भारतीय सेना को इस महत्वपूर्ण चोटी पर सफलता मिल गई। लेकिन अफसोस, कैप्टन सुमित और उनके साथी जवान अपनी इस सफलता की खुशी बांटने के लिए जीवित नहीं रह सके। उनकी इस शहादत ने भारतीय सैनिकों में लड़ाई को ऐसा जज्बा भरा कि
दुश्मन को ना केवल इलाका खाली करना पड़ा बल्कि उनके पांव भी उखड़ गए। कैप्टन सुमित की शहादत की खबर जब नई दिल्ली के पालम कॉलोनी राजनगर के निवासी उनके पिता एसके राय के पास पहुंची तो वे सन्न रह गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, पहले तो वह सिर्फ मेरा बेटा था पर अब वो पूरे भारत का बेटा हो गया है। उसकी इस शहादत पर हमें ही नहीं पूरे भारत को नाज है। कैप्टन सुमित के बड़े भाई लेफ्टिनेंट शांतनु भी सेना में हैं और उन्हें भी अपने छोटे भाई की शहादत पर गर्व है और वहीं उन्हें इस बात का मलाल भी है कि कैप्टन सुमित उनसे पहले शहीद होकर बाजी मार ले गए। सुमित की शहादत ने पूरी कॉलोनी में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा कि कॉलोनी के तमाम महिलाओं ने अपने बेटे को सेना में भेजने का प्रण ले लिया। टाइगर हिल्स की इस लड़ाई में अपूर्व शौर्य के लिए भारत सरकार ने कैप्टन सुमित राय को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी इस शहादत पर आज भी उनके परिवार को गर्व है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज उनकी वीरता की इस गाथा को सुनकर आप सभी को उन पर और हमारे भारत के वीर जवानों पर फख्र महसूस हो रहा होगा और आपके मन में भी देश प्रेम की भावना जाग उठी होगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत ज्ञानक्षर पे। आप इसे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं बी ज्ञानक्षर के नाम से और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं।